काफी चौड़ी होती है, तो वो धीमे धीमे बोल रहा था, तो उसकी आवाज भी साफ से नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी चेयर छोड़ के उसके पास जाके बैठ गया। मैंने कहा, दादा मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो उसने बताया कि बूढ़ा था, से अराउंड 65-70 के आसपास एज रही, काफी एज थी। तो उसने कहा कि साहब, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा इकलौता लड़का है और उसकी शादी हो गई, और अब मेरा इकलौता लड़का मुझे रोटी तक नहीं देता है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि यह प्रॉब्लम एसएसपी की नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अरे भाई, आपके लड़का आपको रोटी नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, आई मीन दिस इज नॉट माई जॉब। ठीक है, कोई एरेटिक आदमी होगा तो उसको बुरा भला भी कह देगा कि आपने ऐसे लड़के को पैदा ही क्यों किया। सी, आप कुछ भी कह सकते हो। नाउ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि आप एसएसपी हो, अब आप इसको ऐसे सोचो, वो बेचारा ये घर की बात, उसको रोटी नहीं मिल रही है, ये कहने के लिए इतनी दूर से यहां तक आया है, वो उस उम्मीद से आया है कि शायद ये एसएसपी इसका हल कर देगा। लुक एट द एस्पिरेशन ऑफ दैट मैन। अगर आपकी पोजीशन ये एस्पिरेशन उनके अंदर पैदा कर रही है, बच्चों के अंदर ये एस्पिरेशन दे रही है कि आदमी जस्ट है, इससे बड़ा काम आप क्या कर सकते हैं? तो हम सही काम करके ये एस्पिरेशन दे सकते हैं। तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने पूछा कि आपके लड़के के पास कोई मोबाइल नंबर वगैरह है? तो उसने अपना पर्चा वर्चा खोल खाल के, कागज के कहीं लिखा हुआ था, मोबाइल थे उस जमाने में, 2004 या 5 की बात है। तो मैंने उसको, लड़के को फोन पे डांटा, कस के डांटा। मतलब पीआरओ ने कहा एसएसपी नवनीत सिकरा बात करेंगे, तो उस वक्त थोड़ा नाम हुआ करता था, तो बेचारा वैसे ही डर गया, वो तो स्टेमर करने लगा, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने उसको अच्छे से हड़काया, हमने कहा कैसे तुम लड़के हो, है तुम्हारा पिता तुमको कंधे में बिठा के, तुम्हारी माँ नहीं थी, बताया उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, जिंदगी भर रोटी बना के तुमको खिलाया, अब वो बूढ़ा हो गया तो तुम रोटी नहीं खिला सकते उसको, कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। मतलब खूब इस तरीके की मैंने उसको खरी खोटी सुनाई, और मैंने कहा कि हर महीने मेरा पुलिस वाला तुम्हारे घर जाएगा, और एक भी तेरी शिकायत आ गई तो मैं तेरा बैंड बजाऊंगा। तो ये मैंने उसको बोल दिया, भूल जाते हैं इसके बाद। लेकिन वो बंदा हमारा हर महीने जाता रहा, फिर मेरा ट्रांसफर हुआ। जब मेरा ट्रांसफर हुआ मुजफ्फरनगर से, तो मैं वापस आ रहा था, तो ट्रेन भीड़ थी बहुत ज्यादा, और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता था, क्योंकि 1-1.5 साल वहां रहा, बहुत सारे लोग आए थे स्टेशन पर, मतलब स्टेशन भरा हुआ था, पूरा स्टेशन भरा हुआ था, जैम पैक। तो कई बार मुझे अंदर से फील हो रहा था कि जो है कितना प्यार मिला, और मैं जा रहा हूं, 2-4 इमोशनल चीजें भी याद आई, बट आई कंट्रोल माई इमोशंस कि नहीं, इट्स ओके, आप यहां से लखनऊ जा रहे हो, इट्स गुड, आपको आपके काम की वजह से आपको लखनऊ का चार्ज मिल रहा है। तो शाम का टाइम था, 5-6 बजे की बात थी, हल्का हल्का डस्क शुरू हो रहा था, भीड़ खत्म हो गई, ट्रेन चल पड़ी, भीड़ से दूर जब मैं गेट पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे सबको हाथ हिला रहा था, तो लास्ट में जाके आई सॉ एन ओल्ड मैन। जब भीड़ खत्म हो गई उसके बाद वो खड़ा हुआ था, और वो वहां से ऐसे हाथ हिला रहा था। देन सडनली मेरे दिमाग में चमका, ऑलमोस्ट 30 सेकेंड के बाद, अरे ये तो मुझे लगा ये मैंने देखा हुआ है कहीं पे। तो मुझे याद आया कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जिनको मैंने एक बार इनके लड़के को डांटा था। तो ये बात इतना अंदर तक मुझे, जिसे कहते ना, इतना प्यार अंदर उमड़ आया मेरे अंदर, कि जो मैंने इमोशंस कंट्रोल किए हुए थे, मेरे से कंट्रोल नहीं हुए, मैं तुरंत गेट से अंदर आया, और वॉशरूम जो होता है ना ट्रेन के अंदर, उसमें घुस गया, और खूब आंखों में आंसू भर के रो लिया, किसी कि अगर हमारी लाइफ में, हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला सकते हैं, थोड़ी सी खुशी बांट सकते हैं, कर देना चाहिए। एंड गॉड हैज गिवन दिस थिंग, गॉड गॉड हैज ब्लेस्ड अस फॉर सच ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये प्यारे प्यारे काम करते रहिए, इनकी दुआएं आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी, आपको खुश रखेंगी, और सबकी मदद करिए, आगे बढ़िए, दैट इज द लाइफ। सविंदर सर, एक्सलेंट, आई यस, वॉज मेसमराइज्ड। आप जिस तरह से बता रहे थे, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, अगर हम उस यस, पर